हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन टीचिंग। वी आर लर्निंग क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 7 देख रहे थे, फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सी द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7.6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लुक एट ऑल दीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। देखो यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेशन यानी जो भी फिगर्स गिवन है वो हमें देखने हैं। देखो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है इसमें टू पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, एक शेडेड है, एक नॉन शेडेड है। ठीक है, नेक्स्ट वाले फिगर में स्क्वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, उसमें से 2 पार्ट्स कलर्ड है, शेडेड है। ठीक है, और थर्ड वाले में 6 पार्ट्स में डिवाइड है और उसमें 3 पार्ट्स शेडेड किए हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर्स हैं इस फिगर से हमें ये फ्रैक्शंस मिलते हैं। दीज फ्रैक्शंस आर 1/2, 2/4, 3/6 रिप्रेजेंटिंग द पार्ट्स टेकन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये जो पार्ट्स हैं इनमें से कितने पार्ट्स शेडेड है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। इफ वी प्लेस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ओवर द अदर दे आर फाउंड टू बी इक्वल। अगर हमने पिक्टोरियल यानी एक के ऊपर एक रख के देखे तो ये तीनों भी फिगर्स हमें सेम दिखाई देंगे। डू यू एग्री? यस वी एग्री। ठीक है, हम एग्री हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आर 1/3 एंड 2/7, 2/5 एंड 2/7, 2/9 और एंड 6/27 इक्विवेलेंट। गिव रीजन। इक्विवेलेंट है क्या ये? नो। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग फ्रैक्शंस है। ठीक है, गिव एग्जांपल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के हमें एग्जांपल देने हैं। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला 2/4। ठीक है, उसके बाद 3/6, उसके बाद 4/8। इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच। आर दिस फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट? देखो ये जो स्क्वायर्स गिवन है ये आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं? यस ऑफ कोर्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है। ठीक है, कैसे गया? देखो फर्स्ट वाले फिगर में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8। उनमें से कितने पार्ट्स कलर्ड है? 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में टोटल पार्ट्स है 12। उनमें से 9 पार्ट्स शेडेड है। थर्ड वाले फिगर में टोटल पार्ट्स कितने हैं? इसमें 16। 16 में से 12 पार्ट्स शेडेड है। ओके, एंड लास्ट वाले में देखो 20 टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से 20 में से 15 शेडेड है। ठीक है, और अगर हमने पिक्टोरियल व्यू से ये जो देखा एक के ऊपर एक रख के तो हमें ये जो शेडेड पार्ट है ये सबका इक्वल दिखाई देगा, इसलिए ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। ठीक है, दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। थिंक ऑफ 3 मोर फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट टू द अबव फ्रैक्शंस। इस तरह से जो फ्रैक्शंस है वो आपको सोचने हैं। अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हमें क्या करना है, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो समझने हैं। 1/2, 2/4, 3/6 अप टू 36/72 आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस है ये पूरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है क्या? दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। ये जो फ्रैक्शंस है ये किसी होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। थिंक, डिस्कस एंड राइट। Why do the equivalent fractions represent the same part of a whole? देखो ये जो equivalent fractions है
ये किसी पार्ट का, किसी होल का सेम पार्ट क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ कैन वी ऑब्टेन वन फ्रॉम द अदर? हम एक दूसरे से ये ऑब्टेन कर सकते हैं? देखो, वी नोट 1/2 = 2/4 = 1/2 / 2/2. Similarly, 1/2 = 3/6. 1/3 / 2/3 = 1/3, and 1/2 and 1/2 = 4/8. ये आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, 1/2 1/2 ही ये फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, हर टाइम में. तो टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, हमें क्या करना है, किसी फ्रैक्शंस गिवन है कोई भी और उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है, तो यू मे मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर. तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है तो हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. रजनी सेज दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3 आर, 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें अगर निकालने हैं, तो देखो सबसे पहले 2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन कौन सा आएगा, 2/6. अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन आएगा 3/9. अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन आएगा 4/12 एंड मेनी मोर. इस तरह से हम और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं. डू यू एग्री विथ हर? क्या आप इससे सहमत हो? यस, क्योंकि अगर हमने सहमत इसलिए है कि अगर ये जो फ्रैक्शन बने हैं ये अगर हमने रिड्यूस किए, तो ये जो सबसे पहले वाला फ्रैक्शन था ये हमें मिलेगा, ठीक है. ट्राई दिस, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये जो गिवन फ्रैक्शंस है इनके हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, ठीक है. ये आप करके देख सकते हो, क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए, जो फ्रैक्शन आएगा वो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है. अनदर वे, एक दूसरा वे है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का. देखो, इज देयर एनी अदर वे टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? क्या दूसरा तरीका है? लुक एट द फिगर 7.11. ये जो फिगर है 7.11, इसमें देखना है आपको. फर्स्ट वाले फिगर में देखो, 4/6 इज शेडेड हियर. जो 6 ट्रायंगल है, 6 में से 4 ट्रायंगल्स शेडेड है, ठीक है. नेक्स्ट फिगर में डिवाइड किया है, इसमें पार्ट बनाए हैं, दो दो ट्रायंगल के एक एक पार्ट बनाए, ठीक है. तो इनमें से टोटल 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शेडेड हैं, ठीक है. दिस इंक्लूड इक्वल नंबर ऑफ शेडेड थिंग्स, दैट इज 4/6 = 2/3 = 4/2 = 6/2, ठीक है, सेम ही आएगा. टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वी मे डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करके देखा सेम नंबर से, हम डिवाइड भी कर सकते हैं किसी सेम नंबर से, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/15 इज, देखो किसी भी कोई भी नंबर से, यानी ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उन नंबर्स को किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए. ये इस तरह से नंबर लेना है, 3 ले लिया, 12/3 = 12/3/15/3 क्या होगा, = 4/5, ये फ्रैक्शन मिला. कैन यू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 9/15 हैविंग डिनोमिनेटर 5? क्या आप
नाइन अपॉन फाइव ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का इक्वेलेंट फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो जिसमें डिनोमिनेटर फाइव हो? यस ऑफ कोर्स। कैसे? देखो क्या करना होगा, हमें थ्री से डिवाइड करना होगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, ठीक है। क्या आएगा, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, ये होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थ्री अपॉन फाइव। देखो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है वो हम देखेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ टू अपॉन फाइव विद द न्यूमरेटर सिक्स। हमें क्या करना है, ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसमें न्यूमरेटर सिक्स हो। यानी हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में अगर यहाँ पे टू है, टू को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हम करें आंसर सिक्स आना चाहिए। देखो वी नो दैट टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, तो हमें क्या करना होगा, ये जो थ्री है थ्री से क्या करना होगा, दिस मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय थ्री। हमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कर लिया, टू अपॉन फाइव फ्रैक्शन है, टू इंटू थ्री अपॉन फाइव इंटू थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स अपॉन फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैन यू शो दिस पिक्टोरियली, क्या पिक्टोरियली ये शो कर सकते हो? यस कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15 डिवाइड बाय 35 विथ डिनोमिनेटर 7। देखो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है किसका, 15 अपॉन 35 का, लेकिन डिनोमिनेटर में 7 चाहिए। तो देखो वी हैव 15 अपॉन 35 इज इक्वल टू अननोन नंबर है अपॉन 7, ठीक है। तो हमें डिनोमिनेटर में 7 चाहिए, तो 35 को कौन से नंबर से डिवाइड करूं तो हमें 7 मिलेगा। वी ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर एंड फाइंड 35 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7, 5 से डिवाइड करना होगा। वी देयरफॉर डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 15 डिवाइड बाय 35 बाय 5। हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। दस 15 अपॉन 35, देखो 15 डिवाइड बाय 35 अपॉन 35 डिवाइड बाय 5, 5 थ्री जा 15, 5 सेवन जा 35, ये आ गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, लेट अस नाउ नोट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो नोट कर लो। फॉर दिस कंप्लीट द गिवन टेबल। इसलिए आपको क्या करना होगा, ये जो टेबल है ये कंप्लीट करना होगा। द फर्स्ट टू रोज हैव ऑलरेडी बी कंप्लीटेड फॉर यू। पहले जो दो रोज हैं ये आपके लिए कंप्लीट करके दिए हैं, आगे के आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फर्स्ट कॉलम में गिवन है ये पूरे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में है प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड। प्रोडक्ट निकालना है आपको इस कॉलम में, फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर, इन दोनों का प्रोडक्ट। नेक्स्ट कॉलम में है प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड न्यूमरेटर एंड फर्स्ट डिनोमिनेटर, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर एंड सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ठीक है। और लास्ट कॉलम में आर द प्रोडक्ट्स इक्वल, इक्वल है या नहीं वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट वाले इसमें देखो फ्रैक्शन 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9। फर्स्ट कॉलम में आपको इसमें क्या करना है, इस कॉलम में प्रोडक्ट लेना है कौन कौन से नंबर का, फर्स्ट न्यूमरेटर, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, यानी 1 और 9, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है। 1 इंटू 9 दैट इज 9। अब क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, 3
थ्री, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, 3 × 3 9, ये दोनों भी सेम है, यस दोनों भी सेम है। सेकंड वाले फ्रैक्शंस में देखते हैं, 4/5 इज इक्वल टू 28/35। देखो अब क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 4 × 35 इज इक्वल टू क्या होगा, 140। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है हमें, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। 5 × 28, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 140, और ये दोनों सेम है, इक्वल है। थर्ड में देखो, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर लेना है, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्या आएगी, 16। नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके क्या आया, 4 × 16। क्या ये दोनों सेम है, यस। नेक्स्ट फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर यानी 2, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर यानी 15, आंसर क्या आएगा, 15 × 30। अब क्या करना है, सेकंड वाले का न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर, क्या आएगा आंसर, 10 × 30, ये दोनों भी सेम है, इक्वल है, यस इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट है, 3 लेना है पहले, उसके बाद सेकंड वाले का डिनोमिनेटर इनटू 56, आंसर क्या आएगा, 168 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है आपको, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 24 और इनटू फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 168, ये दोनों भी इक्वल है, यस। ये है इक्वेलेंट फ्रैक्शन का इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, समझ में आया आपको। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।